दोस्तों, आज हम आपको गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी बताने वाले हैं। भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले और उनके धर्म का आचरण करने वाले करोड़ों लोग पूरी दुनिया में हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को बुद्धिस्ट कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी ज्यादातर म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल, चीन, मलेशिया, भूटान आदि देशों में है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता एक राजा थे जिनका नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। पहले के समय में यह रिवाज था कि बच्चे के जन्म के समय माता अपने मायके चली जाती थीं। जब गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था तो महामाया अपने मायके कपिलवस्तु के लिए जा रही थी तो रास्ते में उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी, जिससे उन्होंने रास्ते में एक पेड़ के नीचे ही गौतम बुद्ध को जन्म दिया। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिनों के बाद ही गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु हो गई। इसके बाद गौतम बुद्ध को राजा शुद्धोधन के पास लाया गया। राजा शुद्धोधन ने बहुत से ब्राह्मणों को गौतम बुद्ध के नामकरण के लिए बुलाया। उन्होंने गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा। ब्राह्मणों ने गौतम बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी की कि गौतम बुद्ध बद्धे होकर या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान साधु बनेंगे। राजा शुद्धोधन गौतम बुद्ध को एक महान राजा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध को बचपन से ही हर प्रकार की धार्मिक गतिविधि से दूर रखा। गौतम बुद्ध का पालन पोषण बचपन में उनकी मौसी ने किया। राजा शुद्धोधन गौतम बुद्ध को महल से बाहर भी नहीं जाने देते थे। उन्होंने बुद्ध की शिक्षा की व्यवस्था महल के अंदर ही कर रखी थी। लेकिन गौतम बुद्ध बचपन से ही बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। वह किसी का दुख नहीं देख सकते था। एक बार उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को तीर मारा, जिसका उपचार गौतम बुद्ध ने किया। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। जब गौतम बुद्ध बड़े हुए और अपने महल से बाहर कदम रखा तो उन्होंने संसार में बीमारी, सांसारिक दुख और बुढ़ापे को देखा। वह इन सब प्रश्नों के उत्तर को खोजना चाहते थे। इसी खोज के लिए उन्होंने एक रात को अपने पिता के महल को त्याग दिया। गौतम बुद्ध इसके बाद वहां से चल पड़े। बुद्ध ने बाद में योग और ध्यान की शिक्षा ली, जिसका अभ्यास वह करते रहे। कुछ सालों के बाद वह बोधगया पहुंचे। बोधगया में उन्होंने 39 दिनों तक एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया, जिसके बाद उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय गौतम बुद्ध की आयु 35 वर्ष थी, जिसके बाद उन्होंने 80 वर्ष की आयु तक आज घूम घूम कर अपने संदेश लोगों तक पहुंचाए और लोगों की मदद की। गौतम बुद्ध को मानने वाले, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। करोड़ों लोग उनकी मृत्यु के पश्चात आज भी उनके संदेश लोगों बौद्ध धर्म के रूप में जाने जाते हैं।